मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फ्लोरा अकेडमी। आई एम इंग्लिश टीचर जी एल बाथम। आज हम ग्रामर की क्लास में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के बारे में बताएंगे। सो लिसन एंड लुक केयरफुली। फ्यूचर परफेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसका पैटर्न क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इंग्लिश सही तरीके से, ग्रामेटिकली सही तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले के लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल हैव परफेक्ट में, जैसा कि आपको पता है, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। और आपको पता है ये जो फॉर्मूला है वो हमारा अफर्मेटिव है, सकारात्मक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इस फॉर्मूले को जस्ट हम नेगेटिव भी बना लेते हैं, साथ में हम नेगेटिव भी बनाते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए, विल के बाद जस्ट आप नॉट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका नेगेटिव फॉर्मूला, नेगेटिव। तो देखिए, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव का हिंदी में जो सेंस निकलता है वो है चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके होंगे, ठीक है। मतलब हम एक अंदाजन बता रहे हैं कि यह काम हो चुका होगा उनके द्वारा, या हम कर चुके होंगे, ऐसा हम हिंदी में लेकर चलते हैं। तो जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ पर कि पार्टी खत्म हो चुकी होगी, पार्टी खत्म हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए, पार्टी विल हैव एंडेड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, पार्टी विल हैव एंडेड, पार्टी खत्म हो चुकी होगी। ऐसे अगर नेगेटिव बनाना तो वेरी इजी, पार्टी विल नॉट हैव एंडेड, पार्टी खत्म नहीं हुई होगी या पार्टी खत्म नहीं हो चुकी होगी। तो आप इन पैटर्न को देखते हुए इन सेंटेंसेस को मिलाएंगे। आप देखिए, सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग के अंदर, फिर उसका विल हैव का यूज़ किया आपने, वर्क की थर्ड फॉर्म इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाया। तो जस्ट नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया, सिर्फ नॉट ऐड कर दिया और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो हम इन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव, वो भी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। तो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी मेनली विल है, ठीक है। ये एडिशनल है आपका परफेक्ट बनाने के लिए। तो हम विल को बाहर ले आएंगे, तो पहले आप पैटर्न बना लीजिए। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब आपका जो हैव है वहीं वहीं रहेगा, उसके बाद वर्ब भी थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। ये आपका इंटरोगेटिव, जिसका आंसर हाँ और ना में देते हैं, वो आपका पैटर्न बन गया। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन्हीं सेंटेंसेस को ले लेते हैं। तो कि क्या पार्टी खत्म हो चुकी होगी, क्या पार्टी खत्म हो चुकी होगी। तो इसमें देखिए, क्या, तो क्या के सेंस के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। विल, विल पार्टी हैव एंडेड, क्या पार्टी खत्म हो चुकी होगी। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लीजिए, हमारा जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई है, उसके बाद सब्जेक्ट बन गया पार्टी, हैव मिल गया आपको परफेक्शन के लिए, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सीख जाएंगे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आपको अगर कुछ पूछना है जब आप वीडियोस देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में